नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडियो में आपके साथ बैनी शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ आए। उन्होंने सांवरिया सेठ मंदिर के दर्शन किया और फिर 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन शिलान्यास किया। इसके बाद मेला ग्राउंड में आयोजित हुई सभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस और प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री गहलोत उठते बैठते जागते सोते कुर्सी बचाने में लगे रहे और आधी कांग्रेस उन्हें कुर्सी से हटाने में लगी रही, लेकिन प्रदेश को लूटने के लिए पूरी कांग्रेस एकजुट रही। कांग्रेस ने झूठ बोलकर सरकार बना ली लेकिन चला नहीं पाई, इसलिए प्रदेश की जनता कह रही है कि भाजपा को लाना है, कांग्रेस को हटाना है। आइए अब जानते हैं पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें। पीएम मोदी ने कहा, राजस्थान की कांग्रेस सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दिल्ली में बैठे लोगों को इस बात पर भले ही भरोसा ना हो, लेकिन गहलोत जी को ये बात पता है। उन्होंने मान लिया है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने वाली है, इसलिए वे कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश में चल रही उनकी योजनाओं को बंद न किया जाए। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने गहलोत इस बात को ईमानदारी से स्वीकार किया तो मैं उन्हें बता दूं कि मोदी तो आपसे अनेक गुना ईमानदार है। जनहित की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा बल्कि उनमें सुधार कर आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी ने आगे कहा, जिन लोगों ने प्रदेश को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, गरीब को परेशान किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। यह मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। ये लोग चाहे मोदी को कितनी भी गाली दे, लेकिन भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। भाजपा जांच कर भ्रष्टाचार की तह तक जरूर जाएगी। हमने खदान माफिया सुनते थे, लेकिन राजस्थान में पेपर लीक माफिया पनप गए हैं। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं प्रदेश के नौजवानों को भरोसा दिलाता हूँ कि इनका हिसाब पाताल में भी होगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूँ कि जब अपराध की बात आती है तो राजस्थान टॉप पर आता है। अराजकता, दंगे, पत्थरबाजी, महिला अत्याचार और दलितों पर अत्याचार की बात होती है तो हमारा राजस्थान बदनाम होता है। इन लोगों ने हमारे राजस्थान को बदनाम करने का काम किया है। महिलाओं और बेटियों से अन्याय की परंपरा राजस्थान में बना दी है। भीलवाड़ा, जंबा रामगढ़ और बाड़मेर में हुए जघन्य हत्याकांड इसके उदाहरण है। इसलिए यहाँ की बहन बेटिया कह रही है कि भाजपा को लाना है, कांग्रेस को हटाना है, क्योंकि भाजपा आएगी तो महिला सुरक्षा लाएगी। पीएम मोदी ने उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा राजस्थान में कभी नहीं हुआ। जो कुछ हुआ उसकी कल्पना कभी नहीं की गई थी। कपड़े सिलाने के बहाने टेलर का गला काट दिया गया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार को इसमें भी वोट बैंक की राजनीति नजर आ रही है। इन सरकार ने राजस्थान की ऐसी छवि दुनिया में बनाई है, यहाँ तीज त्योहार शांति से मनाना भी मुश्किल है। कब दंगे भड़क जाए, कब पत्थर बरस जाए, लोगों को इसी की चिंता लगी रहती है। इसलिए राजस्थान की जनता कह रही है कि भाजपा आएगी और कांग्रेस जाएगी। पीएम ने आगे कहा कि 5 साल से राजस्थान के मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में लगे थे, इन्हें गरीबों की चिंता नहीं थी, लेकिन अब इन्हें चुनाव हारने का डर सता रहा है। जब भी कांग्रेस को लगता है कि वह चुनाव हारने वाली है तो झूठी घोषणाएं करने लगती है, सरकारी खजाने का प्रचार प्रसार करती है। अब राजस्थान में भी यही प्रयास हो रहा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के आखिरी दौर में कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक ही चेहरा है, वो है कमल। हमारा उम्मीदवार सिर्फ कमल है, इसलिए कमल को जिताना है और भाजपा की सरकार बनानी है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम जानकारी